दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIIT में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है, आपकी ड्राफ्टमैन सी की, लैब आपका असिस्टेंट बी की और लैब असिस्टेंट ए की और ट्रेड्समैन बी और हेल्पर बी की वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए आप यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पर जाकर आप उसको कम्प्लीट डिटेल दे सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप 2 तारीख से 11:30 बजे से 31/10/2023 तक आप 5:30 बजे तक फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन की जानकारी दे देता हूं जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे इसके लिए आप दे सकते हैं। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन की पे लेवल 5 29,000 से लेकर 92,000 तक। यहाँ पे आपका मैट्रिक इक्विवेलेंट ITI 2 साल ड्यूरेशन, 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 27 आयु दरी की रिटन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। पे आपका लैब असिस्टेंट बी की 4 आपके यहाँ पे 25,000 से लेकर 81 आपका इंटर साइंस या उसके बराबर या हाई स्कूल या SSLC 2 या 4 साल के अनुभव, 27 आयु दरी रिटन टेस्ट। यहाँ पे लैब असिस्टेंट की पे लेवल बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर साइंस में आपका मैट्रिक NIL और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और यहाँ पे हाई स्कूल पास है तो 2 साल 27 आयु दूरी रिटन टेस्ट। ट्रेड्समैन यहाँ पे लेवल 2 19,000 से लेकर 63,000, यहाँ पे हाई स्कूल ITI सर्टिफिकेट हो 2 साल का, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस, 27 साल की आयु रिटन और फॉलो स्किल टेस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पर की पे 1 18,000 से लेकर हाई स्कूल पास NIL एक्सपीरियंस, ठीक है, 27 आपकी आयु दरी के रिटन टेस्ट। यहाँ पे आपकी वैकेंसी दे रखी है, ठीक है, रीजन साउथर्न आपको दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, लैब असिस्टेंट की 5, आपके लैब असिस्टेंट बी की जो कि आपको टोटल 20 हैं, ट्रेड्समैन की यहाँ पर 26 पोस्ट हैं और हेल्पर की यहाँ पर 24 पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज रिलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी अलग मैं वीडियो बना दूंगा। 200 रुपये का फॉर्म है जिसको आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने का न्यू यूज़र पे आप जाके आप कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिलअप का आपको देखने को मिल जाएगा 31/10 आपको तारीख है लास्ट। तो मैंने इस पर टिक किया कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम दे दिया है ईशान, मिडिल नेम यदि आप दे आपका है तो दे दीजिएगा, अदर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। मेरा लास्ट नेम दे देता हूँ, फादर नेम मैंने यहाँ पे दिया फादर नेम, आपका मदर नेम, ठीक, यहाँ पे मदर नेम दे दिया और यहाँ पे आपका गार्जियन नेम है तो आप देना चाहें तो गार्जियन नेम दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल आपकी आयु, यहाँ पे कैटेगरी जनरल हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट आ रहा है जनरल इकोनॉमी सेक्टर OBC SST। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ट है या CNO, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। आपका ID, आप किस ID को चुनना चाहते हैं, पैन, आधार, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इशू ID या बैंक पासपोर्ट विद फ़ोटो, तो यहाँ पे आप एक चुन लीजिएगा। आप उसको यहाँ पे डिटेल देनी है, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड की डिटेल दूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID यहाँ पर देंगे, यहाँ पर आप आई एग्री पर टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टिक कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल बेसिक स्टेप इसका ये आपको कंप्लीट करना है इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका OTP जो कि एक मोबाइल पे आएगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है और ईमेल ID पे OTP आएगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है, ठीक है। दोनों OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे टिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये OTP है जो कि मेरे को मिल गया है, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे मेरा OTP यहाँ पे मैं एंटर करने के बाद कैप्चा आ रहा है, तो अब मैं कैप्चा को फिल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैप्चा को फिल कर दिया। सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल, आप चाहें तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपका सब कुछ ठीक है आपकी डिटेल तो उसके बाद यहाँ पर आप सेव रजिस्ट्रेशन पर कर दीजिएगा, अलग है अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो मेरी रजिस्ट्रेशन ID मुझे मिल गई है, ठीक, क्लिक हेयर टू लॉगिन प्रोसीड पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको रजिस्ट्रेशन जाकर आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने उस पर टिक कर दिया था रजिस्ट्रेशन पे,
लॉग इन आई डी पर। तो यहाँ पे मेरा जो रजिस्ट्रेशन आई डी मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपको डालना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इंटर किया तो मैं उसको यहाँ पे वन डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे दोबारा से, कैप्चा को मैंने जो है फिल करना है, और इसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन पे टिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, फिर से क्या होगा, आपको इंटर ओटीपी मोबाइल या ईमेल आईडी पे आएगा। तो मैं इस बार आपको ईमेल आईडी पे दिखाता हूँ, तो ये देखिए मेरा ओटीपी आया है, जो कि मैं डालूँगा 2746418, ठीक है। तो मैंने ओटीपी डाला, अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, फिर से यहाँ पे मैंने कैप्चा को फिल करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस तरीके से लॉगिन कर, प्रोसीड टू लॉगिन पे टिक कर देना है। ये अब मेरी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, आपको डैशबोर्ड पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन देखने को मिला, फिल एप्लीकेशन, एडिट कंप्लीट एप्लीकेशन और व्यू प्रिंट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं अप्लाई फॉर द पोस्ट, यहाँ पे आपका स्टेप एक्सपीरियंस डिटेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, तो उसको आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कंप्लीट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है, ठीक है। तो मैंने हाई स्कूल का रोल नंबर डाल दिया। वेदर गवर्नमेंट सर्विस, आपकी वेदर गवर्नमेंट सर्विस है या नहीं, उसके बारे में यहाँ पे आपको यस या नो कर सके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर है तो आपकी किस टाइप की है, सेंट्रल है या गवर्नमेंट है, रेगुलर एम्प्लॉई है, तो यहाँ पर आपको बताना है। या फिर वेदर एक्स सर्विस है, यस या नो, या फिर लेंथ ऑफ सर्विस बताएंगे, ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। सिंपली इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, तो मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आ रहा है, तो अपना एड्रेस की जानकारी देंगे, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, ठीक है। तो मैंने इसको चुन लिया, और पिन कोड यहाँ पे आप बताएंगे, दोनों सेम है, इस कंडीशन पर यहाँ पर टिक कर देंगे। नेशनलिटी मैंने इंडियन सेलेक्ट कर ली। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा, इनकेस यहाँ पे आपको पेंडिंग अगेंस्ट आपके एनी क्रिमिनल केस, यस या नो कर दीजिएगा, यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको फिजिकली डिसेबल है, यस या नो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं यस पे कुछ नहीं आया, नो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए चूज़ योर फोटोग्राफ फॉर अपलोड, यहाँ पे आपको साइज़ दे रखा है, तो उसी के साइज़ के अनुसार यहाँ पे आपको अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड यहाँ से कर देंगे, ठीक है। इसके बारे में साइज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए नेम फ़ोटो के नीचे ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो जब भी आप फोटोग्राफ को अपलोड करें, उसके नीचे, जस्ट नीचे ही, इसी के नीचे इसी पोर्शन पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। आपका फोटोग्राफ अलॉन्ग विद सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड योर सिग्नेचर, तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, पर आपको यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ अलॉन्ग विद सिग्नेचर, यहाँ पर आपको इसी के नीचे ही करना है, दोनों यानी फ़ोटो के साथ ही नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिलहाल मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसलिए सैम्पल के रूप में मेरे पास नहीं था, तो मैंने नहीं कर पाया, तो पर आप लोगों को उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, फिल एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। फिल एप्लीकेशन आपको जाएंगे और यहाँ पर इस पर टिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस पर टिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको नीचे की डिटेल आएंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका किस रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने नॉर्थ रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद पोस्ट के लिए आप अप्लाई, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं लैब असिस्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये पोस्ट रिजर्व फॉर एस सी एस सी है, तो यहाँ पर आपको उसी के अनुसार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका सिटी देखने को मिल जाएगा, सिटी फॉर रिटन एग्जामिनेशन मैंने जयपुर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका एज पर द क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम मैंने इलेक्ट्रिकल कर लिया, ठीक। इस तरीके से डेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, परसेंटेज, यहाँ पे डिवीजन मैंने फर्स्ट क्लास कर ली, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से आपका डेट ऑफ एक्वायरी क्वालिफिकेशन जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं बता दिया जुलाई, ठीक है, 2 अगस्त कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बता दिया, परसेंटेज यहाँ पे मैंने 78 कर दिया, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नाम ICFI डाल दिया मैंने, और आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन या दिया है तो मैंने ITI कर दिया,
तो यहाँ पे आपका रिलेवेंट एक्सपेंस कितना है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं मंथ में मैंने 36 महीने डाल दिया, ठीक। आई एग्री भी यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, ठीक। स्टेप वन प्रोसीड भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, एडिट चाहे तो एडिट कर सकते हैं। स्टेप टू पे आ गया हूँ मैं, स्टेप टू, ठीक। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपके जो पोस्ट है, एक्सपेंस डिटेल अपलोड करनी होगी, डिटेल फिर इसके अपलोड डॉक्यूमेंट, मेक पेमेंट, सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका एडिट एप्लीकेशन में जाकर अपनी एडिट एप्लीकेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप व्यू और प्रिंट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने डिलीट की आपके ड्राफ्ट्समैन सी, लैब असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट ए, ट्रेड्समैन बी, हेल्पर बी की वैकेंसी के बारे में बताया, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बताया। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो फॉर्म फिल करने में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से सहायता करूँगा। आपके स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, फोर हैं वो आपको कम्प्लीट करने होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने धन्यवाद।